टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया निवाई पहुंचे, जहां अहिंसा सर्किल पर डिप्टी अंजुम कायल, थानाधिकारी नरेंद्र मीणा और पुलिस के जवानों का माला और मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि कोरोना महामारी को हराने के लिए पुलिस के जवान जी जान से देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में सभी जवानों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। महामारी फैली हुई है, उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर में बहुत समय पे एक ऐसा डिसीजन लिया जो लॉकडाउन करके पूरे देश को बचाया है। आज हम उसी को देखते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि हमारे अंदर में सबसे बड़ी बात डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सफाई कर्मचारी का, और उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा है। आज हम ये बात कह सकते हैं कि हम सुना करते थे कि पुलिस चाहे तो 100 फुट नीचे से पाताल से भी निकाल ले, लेकिन आज जिस हिसाब से निजामुद्दीन से मरकज में जो लोग थे वो जैसे जैसे पूरे देश में गए, प्रशासन ने 3 दिन के अंदर में उस काम को इतनी बखूबी से निभाया कि एक एक आदमी जो ट्रेन में कहीं बैठा था, कोई कहीं भी साथ गया था, किसी ने किसी से बात की थी, उन सबको 3 दिन के अंदर में पूरे देश में लॉकडाउन के अंदर में ले आए और सभी को हॉस्पिटल में पहुंचाया। आज सांसद महोदय द्वारा निवाई में पधार करके निवाई पुलिस का धन्यवाद किया गया। जिस प्रकार से पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है उसको लेकर के उनके द्वारा किए गए सम्मान के लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे द्वारा सिर्फ हमारी ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा है, क्योंकि ये एक आपदा का समय है जिसके समय में हमें लोगों को जागरूक करना है तथा सख्ती से लॉकडाउन की पालना कराई जानी है। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रूथलेस लॉकडाउन की बात कही गई है, जिसकी पालना के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं ताकि लॉकडाउन की पालना की जाए तथा इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। अभी पिछले दिनों टोंक में जो पुलिसकर्मियों के साथ जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, तथा अभी जैसा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मेरे द्वारा परिवारजनों को छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़कर